हिमाचल प्रदेश में सीपीएस मुख्य संसदीय सचिव का मुद्दा गर्मा गया है। भाजपा इसको लेकर लगातार हमलावर है और सीपीएस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई है। वहीं कांग्रेस से भाजपा की बौखलाहट करार दे रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसको लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा उपचुनाव विधानसभा और अब नगर निगम चुनाव हारी है और इस हार को पचा नहीं पा रही है। ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है तो मैं समझता हूँ इसमें टिप्पणी करना गलत होगा और जो हमने नियुक्तियां की हैं वो नियमों के अनुसार की हैं। बाकी इट्स टू अर्ली टू कमेंट, अभी कोर्ट में सारा मामला चला है। बाकी तो बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम भी चीफ व्हिप, डिप्टी चीफ व्हिप रखे है, सीपीएस रखे है इन्होंने, ये तो चलो आज वो विपक्ष में इन मामलों को उठा रहे हैं, लेकिन जो नियुक्तियां हुई हमने नियमों के अनुसार की है। बाकी मामला कोर्ट के विचाराधीन है, लेट्स वेट फॉर द फाइनल आउटकम। मेरा तो यही मानना है कि अपनी चुनावी हार के बाद, चाहे 2022 की थी चाहे नगर निगम की थी, वो उसको बचा नहीं रहे हैं। अब डिप्टी सीएम इनकी अपनी सरकारों में, भारतीय जनता पार्टी के स्टेटों में है, बट ज्वाइनिंग स्टेट या आप हरियाणा को उदाहरण आपके समक्ष रखें, वहाँ पर खट्टर जी की सरकार में हमारे दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इनके रहे हैं अडवाणी जी रहे हैं, डिप्टी सीएम जिनके एक नहीं कोई चार पांच स्टेटों में आपको देखने को मिले। ये तो सारा मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल इन्होंने एक मुद्दा बनाने की बात कही है और सारी स्थिति आपके समक्ष शीघ्र आ जाए, यही मैं यही मानकर चलेंगे। बाकी तो पांच स्टेटों में इनके अपने डिप्टी सीएम है, ये अपनी अपनी बातें सब इनको माफ है। वो तो कहती है कि ड्राई क्लीन मशीन है हमारी भारतीय जनता पार्टी, इनको सब माफ है, बाकी और ऊपर सब बातें लागू करते हैं।